डेजर्ट का जन्म लगभग 5 साल पहले हुआ था। मौसम और प्रकृति के हाथों तराशा गया ये इलाका पहली नजर में बहुत खतरनाक लगता है, पर इसकी बंद मुट्ठी में छुपी हुई है यहाँ के वन्य जीवों की जिंदगी, जिनसे आपको प्यार हो जाएगा। जिंदगी की तलाश में भटकता हुआ ये पक्षी अपना वजूद खो रहा है। भारत की पश्चिमी सीमा के पास मौजूद जैसलमेर एक ऐसा शहर है जहां इतिहास आज भी जिंदा है। यहां इंसानों का इलाका खत्म होता है और इसके बाद शुरू होता है विशाल रेत का समंदर, द थार डेजर्ट। टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे में बाहर धूप में निकलना खतरे से खाली नहीं है। पर मूसा मुझे यहाँ के बारे में जितना बताते जा रहे हैं, उससे मुझे ये अपना सा लगने लगा है। इस इलाके में रहता है एक शानदार पक्षी गोडावन, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्थानीय नाम है, लेकिन इतने बड़े इलाके में उसे ढूंढ निकालना राय का दाना ढूंढने जैसा है। कहा यह जाता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत की नेशनल बर्ड बन सकती थी, पर डर ये था कि इसके नाम को लोग गलत तरीके से ना लेने लगे। एक जमाने में ये द थार और डेक्कन प्लेटो में बहुत पाई। द डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के पश्चिमी इलाके में मौजूद थार का एक हिस्सा है। ये भारत के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है, जो 3000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला है। रेत और हवाओं की यहाँ हुकूमत है। इस इलाके को इन जानवरों और इनके इकोसिस्टम को बचाने के लिए बनाया गया था, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसके बनने की सबसे बड़ी वजह थी। बस्टर्ड मतलब स्लो बर्ड, अपने भार की वजह से ये धीमे चलते हैं। असल में ये सबसे हेवी फ्लाइंग बर्ड्स हैं। हर बस्टर्ड का वजन 15 किलो तक होता है, जो कि मोर के वजन का दुगना है। पार्क में बने 7 इलाकों में ये छिपता और खाने की तलाश करता है। जरा सा भी खतरा महसूस होने पर ये शर्मीला जानवर तुरंत आँखों से ओझल हो जाता है और घास में दोबारा छिप जाता है। कई साल पहले इस बर्ड को पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों में पाया जाता था, लेकिन आज ये उस इलाके के महज 10% हिस्से में मौजूद है। आज जंगली इलाकों में 150 से भी कम पक्षियों की ये प्रजाति अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मैं यहाँ वुमेन गार्ड्स की गिनती को देखकर हैरान हूँ, जो इन चिड़ियों की रक्षा करती हैं। इनमें से हर एक पर 50 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर इलाकों की पेट्रोलिंग करने की जिम्मेदारी है, जहाँ वन विभाग ने जालियाँ लगाई हैं ताकि जानवर शांति से यहाँ पर रह सकें। गोडावन की सुरक्षा के लिए आपका रोज का क्या कार्य होता है? हम रोज सुबह उठकर गश्त पर जाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और मैडम जी ये जो फेंसिंग की हुई है ना, इसको भी चेक। कितने गोडावन दिखते हैं? 10, 15, 20, कभी कभी 4, 5। अब ये तो GIB है, उड़ के कहीं भी चले जाते हैं मैडम, हम तो बता नहीं सकते। अभी तो काफी दिख रहे हैं। भले ही मुझे बताया गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ढूंढना आसान नहीं है, पर ये काम तो बहुत मुश्किल है।
जिस इलाके को ये फॉरेस्ट गार्ड्स पेट्रोल करते हैं उस पर जालियां लगाई गई हैं ताकि जानवर ना आ सके। बस्टर्ड का सैकड़ों सालों से यहाँ शिकार किया जा रहा है, पर इसकी घटती संख्या की कुछ और बड़े कारण भी हैं, जैसे कि चरने की वजह से इसके जगह का खराब होना, खेतीबाड़ी, बढ़ता प्रदूषण और फिर आधुनिक विकास। थार दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डेजर्ट है। यहाँ करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। नेशनल पार्क के अंदर करीब 70 गांव बसे हुए हैं। खेतीबाड़ी बहुत कम है, मगर यहाँ पशुपालन बहुत होता है। दुनिया भर में घास चरने वाले पालतू जानवर ग्रासलैंड्स की बर्बादी का कारण बनते हैं, और थार भी इनसे बचा नहीं है। सेवन की घास बहुत पौष्टिक होती है। बस्टर्ड्स की ही तरह घास चरने वाले जानवर भी डेजर्ट पर निर्भर। इन्हें रोकने के लिए फॉरेस्ट गार्ड्स को अक्सर इन जानवरों को पकड़ना पड़ता है। ये गाय आपकी है? गाय मेरी है। गाय एनक्लोजर के अंदर बिल्कुल घुस नहीं सकती। गाय तो आएगी साहब ना, बिना रसीद तो गाय नहीं छुटेगी। रसीद निकालना तो माँ पाप है। गाय एनक्लोजर के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप चारे का इंतजाम करो कैसे भी। इंतजाम कहाँ से करें साहब, दुकान पड़ गया, कहाँ से इंतजाम करें। एनक्लोजर के अंदर गाय नहीं आनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होता है। जीआईबी का ब्रीडिंग सेशन है, एनक्लोजर के अंदर गाय नहीं आएगी। थार में पालतू जानवरों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर की जमीन में घास ना के बराबर बची है। इस वजह से इन जानवरों के मालिक इन्हें चराने के लिए एनक्लोजर की तरफ बढ़ते हैं। इससे इलाके पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जंगली जानवरों के लिए खाने और रहने की आसपास की जमीन का इस्तेमाल खेतीबाड़ी के लिए करते हैं। अक्सर वो नेशनल पार्क में चले जाते हैं, जिसकी जमीन सिर्फ बस्टर्ड के लिए तय की गई है। ये यही खत्म नहीं होता। रेगिस्तान और उसकी जमीन को अक्सर बंजर ही समझा जाता है। जिस इलाके में बस्टर्ड रहते हैं उसे यहाँ रहने वाले इंसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अपने जानवरों के लिए चारा उगाना। लेकिन जीआईबी पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा फेंस के बिल्कुल पास है। द ग्रेट बस्टर्ड शायद ऐसे ही इलाकों में इवॉल्व पाया है, खुली ग्रासलैंड्स। ये एक परफेक्ट इलाका है, यहाँ छोटी और लंबी घास है जहाँ बस्टर्ड रहती हैं। बिजली की तारों से टकराने पर बिजली का बहुत तेज झटका लगता है, जिससे इनकी मौत हो जाती है। इन बिजली की तारों की वजह से हम कितने पक्षियों को गवा चुके हैं? पिछले 10 साल में लगभग 9 ऐसे केसेस हो चुके हैं। अब ये गिनती भले ही सुनने में कम लग रही हो, पर एक बात जानना जरूरी है। जब हमने यहाँ कई सर्वे किए और टेलीमेट्री की, तब हमें एक साल में 5 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत की जानकारी मिली। इससे अगले 20 सालों में प्रजाति पूरी तरह खत्म हो सकती है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। हमारी बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि विंड का इस्तेमाल अब काफी बढ़ गया है, और ऐसे खुले इलाकों को रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने के लिए काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन थार में इस बात का अंदाजा नहीं रखा गया है कि इससे बस्टर्ड को किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ 1000 विंड टर्बाइन्स हैं और 6000 किलोमीटर के दायरे पर फैले हुए बिजली के तार, जो जीआईबी के लिए एक मौत का जाल बन चुकी है। इन चिड़ियों का एक फिक्स्ड एरिया होता है जहाँ ये रहती हैं और खाती हैं। कुछ एनक्लोजर्स में ये बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, लेकिन ये आगे भी बढ़ते हैं। ये अपने खाने और ब्रीडिंग के बीच अलग अलग मौसम में काफी मूव करते हैं। उस मूवमेंट के दौरान ये पावर लाइंस और ये बैरियर्स उनके रास्ते में आ जाते हैं, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे इलाके में क्या ऐसा कोई सीधा रास्ता है जहाँ से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजर सके? बिल्कुल नहीं। जीआईबी के सामने आने वाले खतरों की सूची बहुत लंबी है। इसमें उनकी अपनी बनावट भी शामिल है। बस्टर्ड बहुत कम ब्रीडिंग करते हैं,
जब एक नर और एक मादा एक दूसरे से मिलते हैं, तब मादा साल में सिर्फ एक ही अंडा देती है, और वो भी जमीन पर, जिससे वो यहाँ रहने वाले जंगली लोमड़ियों और नेवलों और कई जानवरों के नजर में आ जाते हैं। इस वजह से जीआईबी के अंडों के बचने की संभावना बेहद कम होती है। आज भारत में 150 से भी कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बचे हैं। उनमें से 120 थार डेजर्ट में रहते हैं और सिर्फ 20 पक्षी गुजरात और महाराष्ट्र में। इसलिए इन प्रजातियों की जान बहुत कीमती है। अगर इनमें से एक की भी जान गई तो इस प्रजाति को बचाना बहुत मुश्किल हो। आगे विंड टर्बाइन्स हैं। आप देख सकती हैं कि इन विंड टर्बाइन्स का एक हॉटस्पॉट नेशनल पार्क उत्तर दिशा में बना हुआ है और यही सबसे खतरनाक जोन है। ये बाकी सफेद लाइंस जो आप देख रही हैं, ये इस एरिया में मौजूद पावर लाइंस को दिखाती हैं। और इस खतरे को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? हम ये जानकारी इनके मैनेजर्स को दे रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। जो एक्शन वो ले सकते हैं वो ये है कि बर्ड डाइवर्टर्स की मदद से पावर लाइंस को मार्क किया जाए। बर्ड डाइवर्टर्स गोल मेटल शीट होती है जो हर दिशा में लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि सड़कों पर लगे रिफ्लेक्टर्स से मिलती जुलती है। ये देखा गया है कि इनके इस्तेमाल के बाद पक्षियों के बिजली के तारों से टकराने में कमी आई है, लेकिन थार में इनको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। और चरवाहे हैं जो बहुत सालों से इन चिड़ियों को यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लिए ये एक इमोशनल लॉस होगा। अब इस चिड़िया के बिना उन्हें इस जमीन पर जिंदगी बितानी होगी और हमारे जैसे रिसर्चर्स और रक्षकों के लिए एक मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन इलाकों को बचाने के लिए एक आइकॉन की तरह। हमारी कोई इस पक्षी से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा ये पक्षी है तो पक्षी तो क्या, इंसान तो इंसान को मार सकता है, पक्षी क्या कर सकता है। यहाँ आने से पहले हम गोडावन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर फील्ड में ड्यूटी मिली, रहने लगे, उसके बाद हमें पता चला भाई ये जीआईबी है, बड़ी कम संख्या में है, राज्य पक्षी है और ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़े और आने वाली पीढ़ी भी इसे देख सके। आसपास रहने वाले लोग इस चिड़िया की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वन रक्षक उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इतने दिन यहाँ रहकर मुझे अब तक एक भी जीआईबी नहीं दिखा है और अब मैं उसकी वजह समझ रही हूँ। अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। बस्टर्ड डेजर्ट और इन ग्रासलैंड्स की एक खास प्रजाति है और इसके साथ यहाँ के बाकी जानवर सुरक्षित रहते हैं। कितना कमाल का पक्षी है। आज मेरा नेशनल पार्क में आखिरी दिन है और फाइनली मुझे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख ही गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी जनरेशन इस पक्षी को आखिरी बार देखने वाली पीढ़ी ना हो। इस सफर के दौरान मुझे ये सीखने को मिला कि भले ही पक्षियों की इसे नेशनल बर्ड का खिताब नहीं दे सकते, लेकिन इसे बचाया जा सकता है। ये प्रजाति और तेजी से सिमट रहा ये ग्रासलैंड फिर से आजाद रहने के हकदार हैं, और ये हक अब इन्हें मिलना चाहिए।